जनक जी, नई दुनिया चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। पिछले कार्यक्रम में बहुत ही रुचिपूर्वक बातें हमने की जी, और थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में जाना, आपने बहाई धर्म को कैसे स्वीकार किया जी, और कितने प्रेरित हुए, और उसके बाद में आपने एक रिसर्चर का जॉब छोड़कर आप इंदौर में महिला विकास संस्थान, जो कि बहाइयों का एक छोटा सा संस्थान था उस समय, वहाँ गए और उसको आपने आगे बढ़ाया, उस प्रोग्राम को, और आप आदिवासियों के साथ काम करने लगे जी, और उसकी बहुत पहचान बनी इंदौर शहर में, और वो छोटा सा संस्थान जो है बहुत बड़े संस्थान के रूप में उभर के सामने आने लगा। और फिर आपने जेम्स मैकलिगन से विवाह किया, और जो कि आयरलैंड से हैं, और उसके बाद में आप बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप गए, वहाँ पे आपने अपने विचार सांझे किए, वहाँ पे आपने अपने संस्थान के बारे में बताया, और लोगों ने आपको बहुत सम्मानित किया। अब जो प्रश्न है आज का, जो बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष के सामने, और भारतवर्ष में नहीं, मैं समझता हूँ सारे दुनिया में ही है, वो है महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण, और मीटू का भी टैग बन गया एक भारतवर्ष में, और किस तरह से सारा, मेरे को लगता है सारे लोगों के बहन बेटियां हैं, पत्नियां हैं, माएँ हैं, सबको चिंता है आजकल कि क्या हो रहा है समाज के अंदर। नौकरियां सब महिलाएं कर रही हैं, आदमियों से ज़्यादा अच्छे स्थानों पे आजकल महिलाएं नियुक्त हैं। अभी अमेरिका में भी इतने बड़े स्तर पर ये चीज़ देखने को आई, और ये जो आपका अनुभव है, जो आपने आदिवासियों के साथ काम किया, आप उनके गांव-गांव में गए, वहाँ आपने उसमें क्या देखा, उनके समाज में महिलाओं का क्या स्थान था, और किस प्रकार का परिवर्तन जो बहाई शिक्षाएं आपने अपनाई, और जाकर आपने उनके साथ संपर्क किया, 100-100 मील आप उनके गांव में गए, तो किस तरह से बहाई शिक्षाओं द्वारा या आपके संस्थान द्वारा कैसे वो उनका, उनकी उन्नति हुई, उनका विकास हुआ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो शहर की महिलाएं हैं, शहर के परिवार हैं, उनमें महिलाओं की स्थिति कैसे है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भी गए, तो वहाँ पे भी किस तरह की स्थिति थी, क्या वहाँ पे प्रेजेंटेशंस हुई, क्या प्रस्तुतियाँ हुई, क्या महिलाओं ने बताया महिलाओं के बारे में। तो मेरे को लगता है कि ये हमारे देश के लिए, ये सारे विश्व के लिए जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ये कार्यक्रम आधे घंटे का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हम अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अंत तक इसको जरूर सुनिएगा। धन्यवाद प्रोफेसर सारवाल। ये सच है कि मैं भारत से ही बात शुरू करती हूँ। पहले मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम जनक पलटा मघिलिगन है, और मैं पंजाब में पैदा हुई, और मैंने अपने जीवन के सारे निर्णय मैंने खुद लिए, मेरे निर्णयों के बीच कोई नहीं आया था। उसका एक विशेष कारण था कि मेरे माता पिता बहुत प्यार करते थे मुझे, लेकिन आम तौर पर समाज में हमारा देश पुरुष प्रधान समाज रहा है। मुझे बचपन की कुछ बातें अभी भी याद है कि अब मैं 70 साल की हूँ, जब मैं 6 साल की थी, मैंने जब 2 चोटियाँ की थी, तो मेरे एक कोई रिश्तेदार थे बुज़ुर्ग, उन्होंने मुझे 2 चोटियों से पकड़ के ऊपर से खिड़की से लटका दिया था कि तुमने 2 चोटियाँ क्यों की हैं। तो हमें अपने आप को संवारने का, हमें कौन से विषय पढ़ने हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है, उसके कोई निर्णय लेने का कभी हक नहीं रहा। हमारे शादी कहाँ होगी, किससे होगी, वो इंसान कैसा होगा, और फिर हमारे देश में ये भी रहा है, मैं पंजाब से हूँ लेकिन पूरे देश की हालत, अब क्योंकि 34 साल से मध्य प्रदेश में हूँ, तो जैसे बेटे बेटी का एक हमारे बीच में एक बहुत पुराना एक विश्वास है कि भारत में बेटा है तो मोक्ष मिलेगा, बेटा है तो हमारा अंतिम संस्कार करेगा, बेटा हमारी सारी जायदाद
संभालेगा, हमारा वंश चलाएगा। बेटी से वंश नहीं चलता है, बेटी पराया धन है। बेटी का कन्यादान किया जाता था और वो दे दी जाती थी, उसका पल्ला लगा के बांध के जोड़ी और उसको किसी के पल्ले लगा के पीछे भेज दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि अब तुम्हारा जीवन, आज से माँ बाप के घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, जो भी है तुम्हारा पति है और पति तुम्हारा परमेश्वर है और तुम उसकी दासी हो। और ये बातें फिर माँ बाप हमेशा जब अपनी वसीयत, पिता ही लिखते थे, माँ तो कभी, माँ की वसीयत कोई नहीं होती थी इस देश में, अभी भी बहुत कम है। तो पिता अपनी वसीयत अपने बेटों के नाम करते थे जो भी उनके पास था। बेटी को स्त्री धन, उसकी शादी में गिफ्ट दे देना, आते जाते उसको कुछ पैसे दे देना, त्योहार पे उसको कुछ दे देना, भाई लेने जाएगा भाई लेके आएगा, उसको चलने फिरने की, आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे देश के संविधान में जब संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, उसमें मौलिक अधिकारों में लिंग समानता, समानता का एक अधिकार है और संपत्ति का भी अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन महिला को ये अधिकार आज भी सच्चे रूप में मिला नहीं है। आज भी कोई पिता अपनी इच्छा से अपनी बेटी को अपना वारस बराबर का नहीं मानते। उनकी अंतिम क्रिया बेटा ही करेगा, उनकी सुरक्षा बेटा है। वो बेटे के जन्म पर लड्डू बांटते आए हैं, बधाइयाँ लेते आए हैं, बधाइयाँ देते आए हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब गई 34 साल पहले, इसीलिए मेरा वो संस्थान जिसका नाम बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, तो उस संस्थान के माध्यम से मैं जब आदिवासी एरिया में गई, आदिवासी परंपरा बिल्कुल बाकी देश की जातियाँ और देश के बाकी समूहों से बहुत अलग रही है। आदिवासी महिला जो लड़की है उसको दापा मिलता है। हिंदुस्तान में लड़के को दहेज जाता है, लड़की वाले देते हैं, लेकिन आदिवासी में लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की का दापा देते हैं और अगर लड़का देने के लायक नहीं है तो वो लड़की के बाप के ज़मीन पर उतना टाइम खेती करके मजदूरी करके पैसे उतारता है, जो ब्राइड वैल्यू बोलते हैं उसको। तो वो एक परंपरागत तो उसका स्टेटस ब्राइड वैल्यू का था, लड़की होना माँ बाप के लिए पैसा लाने का साधन था, लेकिन इस कारण से उसकी भ्रूण हत्या नहीं हुई। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार कभी लड़की को वहाँ नहीं था। हमने जब वहाँ जाके काम करना शुरू किया तो लड़कियों के माँ बाप को झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में जाके हम बोलते थे इनको इंदौर हमारी संस्था में भेजिए, हम उनको निशुल्क शिक्षा देंगे। संस्था का क्या नाम था? संस्था का नाम था बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान। बरली शब्द का मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि आदिवासी बहुत लड़कियों का नाम बरली था। तो मैंने एक दिन पूछा कि ये बरली शब्द का अर्थ क्या है, तो मुझे बताया कि जो आदिवासी घर की एक बांस की और घास फूस की और लकड़ी की मिला के एक छत बनती है और वो ऐसी एक चौकोर बना के क्रॉस करके उसके सेंटर में एक पेड़ का पूरा तना जिस पर वो घर टिका रहता है उसको बरली कहते हैं, यानी आधार सितंभ। तो मैंने ये कल्पना की कि महिला ही परिवार की बरली है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा तो ये दुनिया आगे सशक्त बनेगी, पीढ़ियां आगे सस्टेनेबल होंगी, पीढ़ियां आगे सशक्त होंगी। तो जहां तक स्त्री और पुरुष की समानता की बात है, वो आदिवासियों में दिखाई दी वहां की, वहां नहीं, भी जैसे आपने नहीं, कहा कि लड़की तो वहां पे एक अच्छी धरोहर है, ये क्या कहेंगे, लड़की एक अच्छी, नहीं, लड़की को सिर्फ दापा मिलता है, वो भी लड़की के बाप और वो लोग ही उसके हिसाब से खर्च करते थे,
मामला लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में इतना ही फर्क है कि वहाँ लड़की वाले छोटे नहीं होते और लड़के वाले बड़े नहीं होते, लेकिन लड़की का निर्णय जीवन का वो नहीं ले पाती। वहाँ पर साक्षरता दर 3-4% थी जब मैंने वहाँ जाके काम करना शुरू किया। लड़कियाँ घर पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लड़कों को स्कूल भेज देते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, वहाँ पे तो हमने जब जाकर उनके माँ बाप को बोलते थे आप लड़की को क्यों नहीं भेजते, बोलते थे लड़का जो स्कूल पढ़ने गया वो वापस खेत पे नहीं आया। मैं छोटी सी एक इंटरवेंशन करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम बात कर रहे हैं कि वो साक्षर नहीं थे इसलिए शायद स्त्रियों को पीछे रखा गया वहाँ पे, लेकिन अब आप देखिए कि जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, जो उनकी बातें उभर कर आ रही हैं, तो उनकी मानसिकता में शिक्षा ने कोई परिवर्तन नहीं किया। ऐसा है, ये जो विषय है समानता का विषय की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं 1972 से ये जब मुद्दा शुरू हुआ तभी से मैं इस मुद्दे पे गांव के स्तर से लेके यूनाइटेड नेशन तक मैं काम कर रही हूँ। और उस मुद्दे में लिंग समानता मांगते मांगते नैरोबी में गए, मैक्सिको में गए, चीन में गए, मैं बीजिंग में भी गई, फिर 2002 में यूनाइटेड नेशन भी मैं गई इस विषय पे बात करने के लिए। लेकिन ये जो विषय था साक्षरता की बात नहीं थी, आत्मा के अंदर ये भेदभाव बाहर का दिखने लगा। ये जो सारे ये जैसे एक बीमारी के लक्षण होते हैं कि बीमारी कंप कंपी लगती है, उल्टी आती है, बुखार चढ़ता है, कांप कर तो मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया क्यों होता है, क्योंकि उसको मलेरिया के मच्छर ने काटा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था को पूरे देश की या पूरी दुनिया की, उसमें एक एक भेदभाव आत्मा के अंदर था कि पुरुष बड़ा है, महिला दूजे दर्जे की है। और जबकि भारत देश में स्त्री की, लड़की की देवी की पूजा होती है जी, कन्या की पूजा होती है, लेकिन 9 दिन उसकी पूजा तो होती है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। वो एक जैसे हम बाहर से एक करते हैं। अब मैं क्योंकि बहाई धर्म की अनुयायी हूँ, मैंने बहाई धर्म अपनाया, उसका एक कारण ये था कि उसमें मुझे समझ आया कि स्त्री पुरुष समान है। पहले ज़्यादातर लोग, औरतें भी यही सोचती थी, वो अभी मैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती हूँ, हिंदुस्तान में जितने व्रत बने हैं, करवा चौथ का व्रत है, जो भी बेटे का व्रत है, सारे व्रत औरत को रख रहे हैं बेटे के लिए, पति के लिए, आदमी के लिए कोई व्रत नहीं बना कि वो पत्नी के चाहिए, किसी को बेटी चाहिए इसकी कोई, और लड़का बेटी बेटी की सुरक्षा करेगा, भाई रक्षा करेगा बहन की। तो ये सारा एक वास्तव में ये एक मुझे लगता है कि पुरुष प्रधानता की चली आ रही थी, संविधान ने भी दी, लेकिन समाज की मानसिकता नहीं बदली। बहाउल्लाह जो बहाई धर्म के युग अवतार, उन्होंने कहा मानवता एक पक्षी की तरह है जी, जिसके दो पंख हैं, स्त्री और पुरुष, वो दोनों मिलकर जब सांझी शक्ति से उड़ेंगे तब पक्षी की उड़ान ऊंची जाएगी। तो बहाउल्लाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों पंख बराबर हैं और स्त्री पुरुष बराबर हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। वो ईश्वर ने महिला को नर नारी, नर मादा बनाया, फूल पेड़ पौधों में नर मादा, फल फलों के पेड़ों में भी नर मादा होते हैं, जानवरों में भी नर मादा होते हैं, दुनिया चलाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए नर मादा दोनों मिलकर आगे सृष्टि का करते हैं। अब दोनों मिलकर ये समझ लें, समानता का मतलब ये है कि हमारी जो समझ है, हमारे अंदर दिमाग है,
हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर विवेक की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन अवसर लड़कियों को नहीं मिला। बहाउल्लाह ने कहा बराबरी के लिए शिक्षा, उन्होंने ये कहा मानवता एक छुपे हुए हीरों की खान है, जब उसको शिक्षा और अवसर दिया जाता है तो वो चमकते हैं। इसी तरह लड़के और लड़की दोनों को जब शिक्षा, और शिक्षा का मतलब साक्षरता नहीं है, डिग्री नहीं है, जब उनको ये समझ आ जाए कि हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, हम दोनों को मिलकर चलना है। अभी ये मी टू अंग्रेजी में MeToo, मैं ये कहती हूँ V2, हम दोनों भले बहन भाई हैं या पति पत्नी हैं या दो कुलीग्स हैं, लेकिन हम दोनों साथ साथ एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे पर विश्वास करें, दोनों एक दूसरे के विश्वास पात्र बने, दोनों एक दूसरे को कम नहीं आके जी, लेकिन हम परामर्श करके पारदर्शिता वाले रिश्ते रखें कि दोनों मिलकर परिवार के निर्णय लें, एक दूसरे को भी आगे बढ़ने दें और खुद भी आगे बढ़े दोनों। मैं, मेरे पति जिमी मैकगिलिगन एक ब्रिटिश नागरिक थे, मैं पंजाब की एक बेटी थी, हम दोनों ने जब आदिवासी लोगों के साथ काम किया, जब उनकी बेटियां हमारे पास आईं, जब वो देखने लगी कि हम दोनों, हमारे बीच में एक दूसरे की इज्जत थी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, हम दोनों एक दूसरे के, मैं डायरेक्टर थी, मेरे पति मेरे से नंबर दो थे, मैनेजर, और वो इतने इतने अच्छे, मेरी इतनी इज्जत करते थे, वो अपने हाथ से सारे काम करते थे, खेत का काम करते थे, ज़मीन पे काम करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, हमेशा फटे टूटे कपड़ों में रह के अपने हाथ से काम करते थे। मैं डायरेक्टर थी, ऑफिस में बैठती थी, कोई आता था बाहर, चपरासी नहीं होता था हमारी संस्था में, कोई नौकर नहीं होता था, कोई गेट से आता कि हमें डायरेक्टर साहब को मिलना है, दीदी को मिलना है, मेरे हस्बैंड उनको अंदर ऑफिस में लेके आते और उनको हिंदी में बोलते, उनको हिंदी सीखने में कुछ साल लगे, वो कहते ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो मेहमान के सामने मुझे डायरेक्टर साहब कहते। लेकिन मैं भी, कोई भी निर्णय ऐसा नहीं था जो पहले उनकी प्रेम पूर्वक सहमति के बिना मैं कोई निर्णय संस्था का या अपना नहीं लेती थी, क्योंकि जब तक, और कोई ऐसा मुद्दा जब आ जाता जिसमें विरोध की भावना आती तो हम वो विषय छोड़ देते थे। अब दो तीन बातें हैं, बहुत ही रुचिपूर्वक बातचीत हो गई, कि एक तो आदिवासी लड़की है और वो उस परिवेश से आई है जहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव था, और हमने ये भी बात कर ली, आपने उसको एक चिन्हित चिन्ह के रूप में बताया कि हमारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं है, उसमें कमियां हैं, क्योंकि शिक्षा तो हमें सर्वांगीण विकास की मिलनी चाहिए और हमारे मन और तन और विचारों को, आत्मा को शुद्ध करने वाली होनी चाहिए, उनके सभी के विकास के लिए होनी चाहिए। और ये दूसरी बात जो है कि रोल मॉडल होने चाहिए, हमारे समाज के अंदर जो है उदाहरण होने चाहिए, अच्छे जीवित उदाहरण जिनको देखकर लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप जिस तरह से आपने अपने पति और अपनी बात बताई, एक ही इंस्टीट्यूट में रहते हैं और हर चीज़ जो है एक दूसरे के पूरक के रूप में, बहाई शिक्षाओं में यही लिखा है कि एक दूसरे के पूरक बनाओ, और मुझे वो बात याद आ रही थी कि हमें बहाई धर्म में कहते हैं कि मानवता एक पक्षी के समान है और उसके दो पंख हैं, पंख हैं, जो आपने बात की कि ट्विटर हैंडल बनाइए टू विंग्स, हम दोनों वी टू टू विंग्स। तो वो मानवता जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, ये मानवता रूपी पक्षी उड़ नहीं सकता जब तक कि वो दोनों पंख उसके जो है बैलेंस ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छा विचार है। और तीसरी बात जो है,
हमारा जो समाज है उसके अंदर अब जो सोच है वो बदलने की जरूरत है। पुरुष प्रधान समाज तो ताकत पर आधारित था, अभी जो समाज है हमारा ये विचारों के ऊपर, मानसिक विकास के ऊपर, आध्यात्मिक विकास के ऊपर ये आधारित नया युग बनेगा। इसीलिए हमने अपनी चैनल का नाम भी नई दुनिया, नई विश्व व्यवस्था की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नई दुनिया, नई दुनिया इस नई सोच के साथ बनेगी, नए मानसिकता के साथ बनेगी। आत्मा चेतन हो जाएगी, आत्मा चेत जाएगी और हम आत्मा से ये समझ लेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं और मेरा पति, मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा कुलीग, मैं और मेरा पड़ोसी। मुझे लगता है कि एक लेवल पर ऐसा हो गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में बेस्ड रहा है और ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशंस पे विश्व स्तर पर जो बात होती है वो अंग्रेज़ी में लिखकर होती थी और वो अमेरिका की संस्कृति के हिसाब से वो दुनिया को वो सब टॉप डाउन नीचे तक मैसेज आता था, हमें विमेन को बराबर ट्रीट करना है, रोल चेंज करने हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के हालात अलग थे, कुछ हद तक हमारे देश में समानता को, लिंग समानता को थोड़ा सा गलत समझा गया, लड़कियों ने भी गलत समझा और लड़कों ने भी गलत समझा। लड़कियों को ये लगने लगा, उनकी क्या मजबूरी थी, अमेरिका की संयुक्त परिवार नहीं है, दोनों पति पत्नी काम करते हैं। उन महिलाओं ने कहा कि आदमी भी बर्तन मांजे, आदमी भी नैपी चेंज करे, उनकी बात ठीक थी। लेकिन भारत में घर के काम में पुरुष भी हाथ बटाए। अब जब दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, सब काम दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करें, उनकी जो बात थी वो उनकी संस्कृति पर आधारित थी। भारत की जो संस्कृति है, समानता का मतलब एक पूरा सिस्टम तोड़ के एक नया ऐसा कोई बिल्डिंग बना देंगे जिसकी पूरी नींव भी बदल देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा की और सोच के अंदर बदलाव लाना है, तो ये दोनों की शिक्षा बराबर हो, बेटे बेटी पर शिक्षा उनके, उनको अच्छे चरित्रवान बच्चे बनाना है, विश्वसनीय बच्चे बनाना है। सारी जो परिवर्तन आ रहा है, जब हमने आदिवासी लड़कियों के साथ काम किया, उन लड़कियों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। अच्छा ये बताइए, उनके बच्चों में परिवर्तन आया। जी, ये बहुत, वो लड़की, आदमी आगे चलता था, महिला बहुत पीछे चलती थी, वो दोनों साथ में चलते भी नहीं थे। अब मेरी लड़कियां अपने पति के साथ बराबर सब काम करती हैं। यही बात है। खेत में दोनों बराबर हल चलाती हैं, लड़कियां ट्रैक्टर चलाने लग गई हैं गांव में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आदमी की इज्जत नहीं करोगे और आदमी औरत की इज्जत नहीं करेगा, लेकिन इज्जत का मतलब दिखावा नहीं है, आत्मा में है। और एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की, एक दूसरे को भी अपनी अपनी ग्रोथ करने देना, लेकिन डोमिनेशन नहीं होना। अभी कभी ये गलत फहमी हो गई कि ये युग पुरुषों का ने डोमिनेट किया, अब हम डोमिनेट करेंगे, ये हम नेता बनेंगे, हम लीड करेंगे, अब हम नहीं सहन करेंगे। और ये भी हो गया, लड़कियों के दिमाग में ये बात आ गई कि पुरुष जैसा दिखना, पुरुष जैसा पहनावा, पुरुष जैसी भाषा, जो गलत काम पुरुषों ने किया वो गलत काम करके हम बराबर हो जाएंगे। जैसे ड्रिंक करना है, सिगरेट पीना है, गंदी भाषा यूज करनी, और हमें कोई पूछे नहीं कि हम घर पे देर क्यों आए, क्या काम करना, हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करें, लड़के भी बनाए, हस्बैंड बनाए। मैं ये कह रही हूँ, ये बात दोनों के लिए एक अच्छे मर्यादित, जैसे पहले परिवारों में मिलकर दोनों गाड़ी चलाते थे, लेकिन आदमी की सोच भी बदल जाए कि ये अब समान नहीं है, औरत कोई समान नहीं है जिसको उठा के यहाँ से वहाँ रख देंगे। अब औरत पढ़ी लिखी है, औरत को अधिकार है, लेकिन आज भी
समाज के अंदर ये हो रहा है, भारत में भी हुआ। भारत में 73वीं अमेंडमेंट हुई, सरपंच महिलाएं, पंच महिलाएं, और शहरों में भी उनके लिए एक 1/3 रिजर्वेशन रखी गई उनकी सीटों की। लेकिन ज़्यादातर उनकी पावर का उपयोग भी पुरुषों ने किया, क्योंकि महिलाएं खुद भी डरती जी, और महिलाएं पुरुषों, उनका नाम महिला का लेकिन पुरुष सरपंच हो जाता। अभी ये बात की ज़रूरत है कि पुरुष भी उसको आगे होने दे और कुछ सपोर्ट करे, और बेटों को भी हम ये सिखाएं कि बेटे बलात्कार नहीं करें, बेटे किसी की बेटी को टॉर्चर नहीं करें। और ये दहेज लेन देन, अब हम बहाई थे, हमारे यहाँ लेन देन नहीं है, हमारे यहाँ जाति पाति का रिश्ता नहीं, हमने अपना रिश्ता खुद बनाया, हमने अपना रिश्ता खुद निभाया, हमारे माँ बाप पर हम बर्डन नहीं है, हमने माँ बाप को नहीं कहा हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमने ससुराल वालों को नहीं, हम दोनों ने मिलकर अपना घर बनाया, अपना घर बसाया, अपनी दुनिया बसाई, अपने देश की सेवा की, अपने परिवार की सेवा की, और मिलकर मिलकर एक पक्षी के दो पंखों की तरह हम उड़े। एक बात मैं मेरे मन में आ रही है कि जो आप कह रहे हैं उसका जो अंदरूनी जो विचार मेरे को लगता है कि हम चाहे आदमी है चाहे पुरुष है उसमें लिंग भेद ना करें, एक दूसरे को आत्मा के रूप में, इंसान के रूप में और उससे ऊपर, आत्मा का लिंग नहीं है। हाँ, तो और लिंग जो है वो लिंग ईश्वर की बनाई हुई एक रचना, हमारे ऑर्गन्स हैं, बढ़ने के लिए ऑर्गन्स हैं, केवल बायोलॉजिकल है, और बायोलॉजी के साथ कुछ हमारे रोल्स हैं। महिला बच्चे को पैदा करती है, आदमी भी पालता है उसको, आदमी का भी धर्म औरत का ख्याल रखना है। पर ये बात भी कि अब बहुत सारे एक्ट भी बने हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, लड़कियां भी मिसयूज कर रही हैं, उनके पेरेंट्स भी मिसयूज करते हैं कभी कभी। अभी तो प्रॉब्लम ये नहीं है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ कितने साल से बोल रहे हैं, मैं बोलती हूँ बेटों को बचाओ, बेटों को सिखाओ। वो हम जब लड़कों के साथ चलते थे हमें तो भरोसा था, हम जिस लड़के हमारी रक्षा करेंगे कि कोई भी हमारा तो साथ में पढ़ने वाले लड़के, हम उनके भरोसे हम चलते थे, हम साथ में पैसेंजर भी होता था उस पर ट्रेन में भरोसा करते थे। हम आदिवासी एरिया में मैं अकेली चलती थी गांव-गांव, मेरे को किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा, छेड़ा नहीं, आदमियों ने दीदी कहा मुझे, पूरी उम्र सम्मान दिया। तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को भी सम्मान करें, भावनाएं समझें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से ना होने, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो। हमारा क्या है कि जब हमें करप्शन क्या है, जब हमें मौका मिलता है तो हम गलत काम करने को तैयार हैं अपने लाभ के लिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किसी भी इशू को बना रहे हैं, क्या वो किस भाव, या वो एक सामाजिक मुद्दा उठा रहे हैं जैसे आप बात कर रहे हैं, या वो अपने सेल्फिश रीजन से, अपने ही किसी अहम के कारण या स्वार्थ के कारण, स्वार्थ वो अपना जो है वो इशू उठा रहे हैं कि अब मेरे को अब ये प्रसिद्धि मिलेगी या मैं सेंटर स्टेज आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों को एक दैविक विचार धारण करना चाहिए, उनके अंदर एक वर्चूज, उनके अंदर सद्गुण आने चाहिए। और जब वो सद्गुण आ जाएंगे ना दीदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये समझ नहीं रहे हम। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक आदिवासी एक लड़की जो हमारी संस्था में, वो उसके पति फिर उसके बच्चे वो हमारे साथ में ही बड़े हुए और मैं उन्हीं के साथ गांव में रहती हूँ। तो वो उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अब जिस दिन हम रिटायर होके एक गांव में घर बनाया वहाँ रहने लगे, वो बच्ची 7वीं क्लास में थी और लड़का 9वीं क्लास में था। मैंने उन दोनों बच्चों को कहा, क्या ये हो सकता है कि रविवार के दिन संडे को मम्मी नाश्ता नहीं बनाए,
आप दोनों बहन भाई नाश्ता बनाएंगे तो मम्मी को एक दिन ब्रेक मिलेगी मम्मी को थैंक यू करने के लिए। वो दोनों बच्चे क्योंकि अर्ली एज थी जी, उस टाइम उनको ये बात समझ में आ गई और आज 8वां साल जा रहा है, कभी भी वो बच्चे, अब वो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल में है, वो बेटी बीकॉम सेकंड ईयर में है, वो बच्चों ने कभी संडे मिस नहीं किया। और मुझे संडे का तभी पता चलता है, वो बच्चे नाश्ता ले आते हैं, हम सबको टेबल पे लगा के देते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ, आज वो बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं है कि मोहन स्कूल जा और शीला पानी ला, अब वो दोनों बहन भाई मिलकर अच्छा, नाश्ता बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। मुझे तो पता नहीं था कि उसका आगे चल के क्या परिणाम आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि घर से ही शुरू होता है और बच्चों के बीच में भेदभाव ख़त्म हो गया कि बहन नाश्ता बनाएगी या भाई नाश्ता बनाएगा। लेकिन एक कॉलेज में मुझे लिंग भेदभाव पर टॉक देने के लिए बुलाया गया, वहाँ पर जब मैंने अपनी, मेरे से प्रश्न पूछा गया कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, घर से कैसे शुरुआत हो सकती है, आप बोलती हैं कि घर से शुरुआत होती है, तो मैंने उनको ये बहन भाई की कहानी सुनाई जो मेरे घर में बच्चे हैं। तो मेरी बात जैसे ही ख़त्म हुई तो वहाँ की कॉलेज की प्रिंसिपल ने बोला कि मैं जनक दीदी का थैंक यू करती हूँ, मेरा बच्चा MBA में पढ़ता है और वो, मैं सारी उम्र उसको नहीं सिखा पाई, एक बार कॉलेज की तरफ से जनक दीदी के यहाँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ गया और जनक दीदी ने वो लड़का और लड़की की कहानी सुनाई कि दोनों बहन भाई चाय बनाते हैं, मिलके नाश्ता बनाते हैं। मेरा बेटा उस शाम को घर आकर दादी जी के लिए शाम को पास में बैठकर प्रिंसिपल के लड़के की बात उनको दूध पिलाने लगा, लड़का लड़की दोनों, और फिर माँ को मुझे सुबह उठ के चाय पिलाने लगा बना के, मेरा जीवन बदल गया। तो ये एक उदाहरण बन गया कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से उनके अंदर ये भेदभाव ख़त्म हो गया कि नाश्ता बनाना लड़की का काम है या लड़के का काम है और माँ को आराम देना है। तो कुल मिला के जो हम देख रहे हैं, बाहर बलात्कार हो रहा है, लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, घर में असुरक्षा है, बाहर असुरक्षा है, सड़क पे असुरक्षा है, अंदर से डर है, और पूरा टाइम लोग लड़कियों को सिखा रहे हैं बैड टच गुड टच, मैं कहती हूँ लड़कों को सिखाओ डोंट टच द गर्ल्स, डोंट, लड़कों को सिखाओ बैड टच करने से उनके जीवन का क्या नुकसान होगा। इस तरह से हमें ये समाज से शुरू करना पड़ेगा, परिवार से शुरू करना पड़ेगा, ये बात आत्मा से शुरू होगी, ये एक सद्गुण है कि अच्छे अच्छे बच्चे बनना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, लेकिन स्मार्ट के साथ गुड भी बने, वो अच्छे इंसान बने, और अच्छे बेटे अच्छे बेटियाँ बनाना, उनको बड़े करना माँ का और पिताजी का दोनों का काम है। जब माँ पिता दोनों अच्छे माँ पिता होंगे तो इसी तरह से बच्चे भी अच्छे लड़की और लड़का बनेंगे, आगे चल के अच्छी बहू बनेगी, अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा जवाई बनेगा, हमारा समाज बदल जाएगा। ये हमें जो बाहर हो रहा है दिख रहा है वो केवल लक्षण है बीमारी के, सिम्टम्स है, बीमारी कुछ और है, बीमारी के सिम्टम्स है, बीमारी की जड़ इस बात में है कि हम ये भेदभाव आत्मा से निकाल दें, इंसान, हम इंसान की औलाद हैं, इंसान बन जाएं। और अंत में ये बात कि हमें जड़ से जब पानी देते हैं तो पेड़ बड़ा होता है, ऊपर से पानी देके जड़ में नहीं जाता है पानी, तो ये जड़, ईश्वर ने स्त्री पुरुष एक दो पंखों का पक्षी बनाया, हम दोनों पंख बराबर उड़ेंगे और बराबर उड़ने के लिए तैयार करेंगे, ऐसी पीढ़ियां नई बनाएंगे जिसमें भारत माता की जय हो और अपने माता पिता की जय हो और ईश्वर का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में जनक जी आपने ये सारी बात की, निचोड़ एक निकाल दिया कि घर से ही
हमें आरंभ करना है और माँ बाप और बच्चों को जो है ये मार्गदर्शन, जो दिव्य मार्गदर्शन है, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। जैसे कि बहाई धर्म में भगवान बहाउल्लाह बोलते हैं कि अगर विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी, सबसे अच्छी सुंदरी भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा दिल विचलित ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे देश में तो संयम की बात की गई है, बिल्कुल, कि अगर हमारे हृदय में कोई हिंसा का विचार आता है, जैसे अब्दुल बहा कहते हैं आपके हृदय में वॉर या लड़ाई का विचार आता है, तो आप उसको शांति के विचार से दबा दो। हाँ, अंधेरा खत्म नहीं कर सकते, दिया जला के रोशनी बढ़ा सकते हैं। हिंसा खत्म नहीं कर सकते, ये स्त्री पुरुष की, स्त्रियों पर हिंसा ये खत्म नहीं कर सकते। हमें समभाव बनाना है, सद्भावना बनानी है, प्रेम बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना है, और हमारी इसके प्रति कमिटमेंट भी होनी चाहिए। हाँ, संकल्प भी है। हाँ, और उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा हमें खुद। जी जी, धन्यवाद, बहुत तो बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनक जी, और हम ये विचारों को आगे चालू रखेंगे, इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। और जब भी आप चंडीगढ़ आएंगी, या हो सकेगा जल्दी ही एक और हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत ध्यान से उन्होंने ये बातें सुनी होंगी, और ये ऐसी बातें हैं जो हमारे हृदय में धारण हो जाती हैं। और ईश्वर का शब्द जब मनुष्य के हृदय में बस जाता है तो उसका रूपांतरण हो जाता है, और यही ईश्वरीय अवतार का सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि वो मानव हृदय को पूरी तरह से ईश्वर के साथ जोड़ देता है। हर एक को एक अपनी आत्म स्वरूप में पहचानने के लिए वो कहता है, जात पात से ऊपर, लिंग भेद से ऊपर, और सारे मानवों की एकता तभी हो सकती है जबकि हम ईश्वर की एकता को पहचाने, धर्मों की एकता को पहचाने, स्त्री पुरुष की बराबरी, समानता को हम समझे, और विज्ञान के दृष्टिकोण से हम संसार में अपना जीवन आचरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मी टू नहीं वी टू डब्ल्यू ई हम दोनों, EWO हम दोनों जी, टू विंग्स जी, बहुत सुंदर ये हैशटैग है। हम आशा करते हैं कि आप इस हैशटैग का प्रयोग करेंगे, वी टू यानी हम दोनों, और टू विंग्स यानी दो पंख। तो दर्शकों, इसी के साथ ये अंक हम, नई दुनिया का ये अंक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते रहिए नई दुनिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।